आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 आईसीएसई की साइंस की लेसन नंबर 6 साउंड्स पार्ट 2। साउंड ट्रैवल इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड किस हिसाब से ट्रैवल करता है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे बताया कि वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में मूव करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। आपको यहाँ पे बाजू में 6.19 में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव देखने को मिल रही है, उसके बारे में पढ़ते हैं। वी हैव रीड दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस व्हेन एन बॉडी वाइब्रेट। हम लोगों ने अभी आगे पढ़ा पार्ट 1 में कि जो साउंड है वो वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी है। ड्यूरिंग वाइब्रेशन द काइनेटिक एनर्जी चेंज इन टू द पोटेंशियल एनर्जी। वाइब्रेशन के टाइम में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। साउंड एनर्जी इन देन एयर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम देन वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द वेव मोशन। और इस हिसाब से जो साउंड एनर्जी है वो वेव मोशन से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। इन द वेव मोशन द पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम डू नॉट लीव देयर मीन पोजिशन बट दे वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस। यहाँ पे जो वेव मोशन करते हैं तब वो अपने पॉइंट को, अपने जो मेन वेव पॉइंट को है, मेन पॉइंट को है, छोड़ते नहीं है, सिर्फ अपनी जगह पे ऊपर नीचे सिर्फ मूव करते हैं। व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है द पार्टिकल्स ऑफ द एयर सराउंडेड स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मेन पोजिशंस। जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो वही चीज़ जो अपनी जो भी पार्टिकल्स होते हैं हवा के, वो अपनी मेन पोजिशन पे ही वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेशन के टाइम वो धक्का मारते हैं एक दूसरे को या फिर खींचते हैं। पुश और पुल द नियर बाय पार्टिकल्स एंड ट्रांसफर सम एनर्जी टू देम। और बाजू में जो भी पार्टिकल्स हैं उन्हें अपनी उनकी एनर्जी ले लेते हैं या फिर देते हैं। दे देन स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द नेक्स्ट सराउंडिंग पार्टिकल्स। और फिर वो और ज़्यादा फास्ट मूव करना चालू करते हैं, वाइब्रेट करना चालू करते हैं, और इस हिसाब से जो नेक्स्ट पार्टिकल्स वाला सराउंडिंग है वो एनर्जी रिसीव करता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वाइब्रेशन रीच द ईयर ऑफ अ पर्सन। ये वाइब्रेशन का प्रोसेस और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रोसेस है, जब तक हमारे कानों में ना पहुँच पाए तब तक ये चलता रहता है। सच वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन एन एयर आर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड एंड दे फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये जो वाइब्रेशन है पार्टिकल्स का हवा में होने का, जो साउंड के प्रोपोगेशन के हिसाब से स्ट्रेट लाइन के हिसाब से चलता है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव समझनी है तो हम लोग नीचे समझेंगे। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव एट पॉइंट सी ऑन द आइदर साइड ऑफ विच द पार्टिकल्स ऑफ एन एयर मूव टूवर्ड द सी। आप देखोगे तो पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो पॉइंट सी है, आइदर साइड ऑफ विच पार्टिकल एयर मूव टूवर्ड द सी। आप देखोगे कि सी का पॉइंट सी की तरफ मूव करेगा और वापस से सी, मतलब दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इट्स कॉल्ड द कंप्रेशन। तो सी को हम लोग बोलेंगे कंप्रेशन। द पॉइंट आर ऑन देन आइदर साइड ऑफ विच द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव अवे फ्रॉम द ईच अदर। और आर के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखने जाएंगे तो कंप्रेशन में दोनों अपनी साइड पे, मतलब ऑपोजिट साइड से एक दूसरे की साइड पे मूव करेंगे, और रेफ्रैक्शंस के अंदर, जिसको हम लोग आर लिखेंगे, रेफ्रैक्शन के अंदर ऑपोजिट साइड पे मूव करेंगे। सो इस हिसाब से कंप्रेशन रेफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेफ्रैक्शंस चलता रहेगा जो डायग्राम में नीचे बताया हुआ है। वन वेव इज फॉर्म अ कंप्रेशन टू द नेक्स्ट कंप्रेशन और फॉर्म द रेफ्रैक्शंस टू द नेक्स्ट रेफ्रैक्शंस। इस हिसाब से जो एक वेव है वो कंप्रेशन क्रिएट करती है नेक्स्ट कंप्रेशन के लिए, और या फिर फ्रॉम रेफ्रैक्शन से नेक्स्ट रेफ्रैक्शंस के लिए। तो इस हिसाब से चलता रहता है वो प्रोसेस। लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ग्राफ। हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के थ्रू भी बता सकते हैं, जो हम लोगों ने 6.19 में बताया हुआ है नीचे। दिस ग्राफ शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एट अ डिफरेंट डिस्टेंस एट द सेम टाइम। सो इसी हिसाब से जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा अलग अलग मीडियम में। तो यहाँ पे जो टाइम होगा ना वो सेम होगा, लेकिन उसका वेव लेंथ है वो दूसरा हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अनदर वे टू रिप्रेजेंट द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विच रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विद द टाइम एट द गिवन पोजिशंस। दूसरा, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव आप देखोगे तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जिसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक वेव दूसरी वेव की तरफ जब गई हुई है, वो टाइम के इंटरवल्स के फॉर्म में बताया हुआ है कि एक वेव को कंप्लीट होने के लिए, मतलब आर से आर जाने के लिए जितना टाइम लगा हुआ है उसको टी यहाँ पे शो करा हुआ है, विच इज़ द टाइम पीरियड। डू यू नो, देखते हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल इन द वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जो डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट ने एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितना ट्रैवल किया है एक ही डायरेक्शन में, उसको डिस्टेंस बोलेंगे। इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्टेंस मूव टूवर्ड द राइट इन एंड ऑन द प्लस वाई एक्सिस एंड डिस्टेंस मूव टूवर्ड्स लेफ्ट इन अ माइनस वाई डिग्री।
एक्सिस. सो यहाँ पे वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस हमारा इंटरनल्स हो जाएगा कि जो डिस्टेंस है वो राइट हैंड साइड पे मूव करता है, और जो डिस्टेंस है टूवर्ड लेफ्ट हैंड साइड पर अगर जाएगा तो उसको माइनस वाई एक्सिस बोलेंगे. फ्रीक्वेंसी वेव का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है इंटरनल्स के पॉइंट ऑफ से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन अपॉन टाइम पीरियड. स्पीड वेव दिस इज अगेन इंटरनल्स, फ्रीक्वेंसी एफ मल्टीप्लाई बाई वेव लेंथ, ये फॉर्मूला हो गया उसका जो हम लोग नीचे सम्स में यूज करेंगे. इन द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ इफ देर इज मूव मोर वेव इन द सेम डिस्टेंस द वेव लेंथ इज लेस. अगर देखने जाएंगे तो अगर डिस्टेंस ग्राफ में अगर देर आर मोर वेव्स, अगर वेव ज़्यादा है यू ना सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस की वेव ज़्यादा है तो उसकी वेव लेंथ होगी वो कम होगी. मीन्स डिस्टेंस अगर सेम तो वेव लेंथ कम, सो लेस यहाँ पे इंटरनल्स हो जाएगा. बट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड इज द सेम, लेकिन जो साउंड सुनाई देगा उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इफ देर आर द मोर वेव्स, अगर वेव ज़्यादा हुई इन गिवन टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड के अंदर वेव ज़्यादा हुई तो टी कम हो जाएगा एंड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब हम लोग को जो आवाज़ सुनाई देगा वो ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप इंटरनल्स के लिए टिक मार्क कर सकते हो, दैट इज ऑफ अ देर इफ टी इज लेस तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. सम टर्म्स रिलेटेड टू द वेव्स, अगर वेव्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ टर्म्स है जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है, कब से बोल रहे हैं, वेव लेंथ और टाइम पीरियड ये सब चीज़ें क्या है, तो आपको पहले वो पता होनी चाहिए. टू एंड फ्रो मोशन विच कंस्टिट्यूट वन फुल वेव्स उसको वाइब्रेशन बोलेंगे. टू और फ्रो जो भी मूवमेंट होगी कंस्टिट्यूएंट की, एक पूरा जो वेव क्रिएट होगा ना ऐसे एस जैसा बनेगा ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे वाइब्रेशन. वन वेव इज अ वन रेफ्रेक्शन, वन वेव का मतलब हो गया कि पूरा रेफ्रेक्शन से लेके रेफ्रेक्शन तक या फिर कंप्रेशन से लेके कंप्रेशन तक. वेव लेंथ के बारे में पढ़ते, द लेंथ ऑफ अ वेव कॉरस्पॉन्डिंग टू द वन वाइब्रेशन, जो लेंथ होगी वेव्स की वो वन वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, जिसको वेव लेंथ बोलेंगे, जिसका सिम्बॉल है लैम्ब्डा. ठीक है, एंड इट इज़ मेजर इन मीटर, और लैम्ब्डा को वेव लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर में. एम्पलीट्यूड देखते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव ऑन द आइदर साइड ऑफ अ मीन पोजिशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो वेव्स है वो जितना डिस्प्लेसमेंट करती है, जितना दूर जाती है अपनी मीन पोजिशन से, ये उसका एम्पलीट्यूड होता है. अगर आपको शॉर्ट भाषा में समझना है तो दैट इज अ हाइट, मतलब वो वेव लेंथ कितना हाइट पे जाता है, दैट इज ऑफ एम्पलीट्यूड. 6.90 एंड 6.20, इसमें ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, आपने आगे ग्राफ में देखा. सो हाइट जो है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे, और जो मीटर में मेजर होता है. टाइम पीरियड के बारे में देखते हैं, द टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट द वन वाइब्रेशन इज नोन एज अ टाइम पीरियड. एक वेव लेंथ को खत्म होने में, मतलब एक वेव को खत्म होने में जितना टाइम लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे, और उसको डिनोट करेंगे टी से, सेकेंड्स में मेजर करते हैं. 6.20 में आप टी देख पाओगे. फ्रीक्वेंसी देखते हैं, नंबर ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द साउंड ऑफ अ सोर्स ऑफ अ साउंड वेव इन द वन सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी. एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स पार ऑन हो सकती है, कितनी वेव्स बन सकती है, उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ या फिर एन से डिनोट किया जाता है, और उसको नापने के लिए हर्ट्स यूनिट यूज हो जाता है, जिसके लिए सिंबल है एच और जेड. डू यू नो, देखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इन एन एयर ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एयर एंड अल्टीमेटली इट डाइज आउट. सो डिक्रीज हमारा यहाँ पे इंटरनल्स हो जाएगा. जो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन है किसी भी बॉडी का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि एयर और बाकी सारे एलिमेंट के रुकाव की वजह से वो स्टॉप हो जाएगा. फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड, हम लोगों ने आगे ही पढ़ा इसका डिफाइन इंटरनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड, ये हमारा इंटरनल हो सकता है, और हमारे पास बहुत सारे सम्स भी है जिसके ऊपर यूज कर सकते हैं हम लोग. नेक्स्ट देखते हैं ऑडिबल साउंड. ह्यूमन ईयर और इवन सारे एनिमल की एक ऑडिबिलिटी कैपेसिटी होती है, उस हिसाब से ही वो चीज़ें सुन सकते हैं. वी हैव रीड दैट ऑल द वाइब्रेशन कॉज साउंड, हम लोग को पता है सारे वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, बट द ह्यूमन ईयर कैन नॉट हीयर द साउंड ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसी, लेकिन हमारा कान सारी फ्रिक्वेंसी की आवाज़ नहीं सुन पाता है. इसका मतलब क्या है, मीन्स हमारा कान की कैपेसिटी होती है, उस फ्रिक्वेंसी से अगर कम या ज़्यादा हो तो हम चीज़ें नहीं सुन पाएंगे. वी कैन हीयर साउंड ऑफ अ फ्रिक्वेंसी इन रेंजेस From 20 hertz to 20,000 hertz, that means हम लोग 20 hertz से 20,000 hertz के बीच की frequency ही सुन पाएंगे. 20 hertz से नीचे होगी तो we can't able to hear. 20,000 से hertz के ऊपर की होती है तो भी we can't hear, क्योंकि हमारी human ear की capacity इतनी ही है. इसे कम होगी तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि चींटी बात नहीं करती, चींटी बात करती है, लेकिन उसकी जो frequency होती है 20 hertz से नीचे होती है, हमारा कान सुन नहीं सकता वो चीज़. वी कैन हियर द साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो द 20 hertz एंड अबाउ द 20,000 hertz. द रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी फ्रॉम 20 hertz टू 20,000 hertz, इसको ऑडिबल साउंड बोलते हैं ह्यूमन ईयर के लिए. सो हमारे ऑडिबल साउंड्स की जो लिमिट है वो है 20 hertz से 20,000 hertz.
अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे. साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी हायर देन द 20,000 हर्ट्ज उसको अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे. 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड को, उससे ज़्यादा वाले साउंड को हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे. जैसे कि कुछ एनिमल है, डॉग, बैट्स, मंकी, डियर, लेपर्ड, ये सारे अल्ट्रासोनिक साउंड है. डॉग है, डॉग के कान की फ्रीक्वेंसी 50,000 हर्ट्ज होती है, मतलब डॉग का कान 50,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है. बैट के कान की कैपेसिटी है 1,00,000 हर्ट्ज. जब भी बैट्स ना आवाज़ निकालते हैं ना डायरेक्शंस निकालने के लिए, सो हमारा ह्यूमन ईयर सुन ही नहीं पाता है उसको. यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनिक्स बाय द बैट देखेंगे. आपको पता है कि जो बैट है वो रात को निकलते हैं और बैट को आइज नहीं होती है, मतलब मतलब ब्लाइंड होते हैं बैट्स जनरली. तो रात को बैट्स इजीली मूव अबाउट विदाउट कोलाइडिंग विद इन एनी ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ वो टकरा नहीं जाते. ठीक है, द रीज़न इज दैट दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड एज दे फ्लाई. जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से वो फ्लाई कर पाते हैं. व्हेन दिस अल्ट्रासोनिक साउंड्स कम बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट, जब ये अल्ट्रासोनिक साउंड वापस से किसी चीज़ के साथ टकराने से वापस आ जाते हैं, तो उन्हें पता पड़ जाता है, उनका जो ईयर होता है वो सुन लेता है, डिटेक्ट कर लेता है किसी प्रेजेंस ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का, और इस हिसाब से वो अपना पाथ चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं. इंफ्रासोनिक और सब सोनिक साउंड्स देखते हैं. साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर देन द 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड या फिर सबसोनिक साउंड. 20 हर्ट्ज के नीचे की सारी आवाज़ जो ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकता उसको इंफ्रासोनिक साउंड बोलेंगे. पेंडुलम ऑफ क्लॉक जो वन वाइब्रेशन होता है 2 सेकेंड्स के अंदर, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू इट्स वाइब्रेशन 0.5 हर्ट्ज. जो साउंड प्रोड्यूस की फ्रिक्वेंसी है पेंडुलम की वो है 0.5 हर्ट्ज, क्योंकि यहाँ पे 1/2 कर दिया तो 1/2 होता है 0.5 हर्ट्ज. सम यूज़ हो गया यहाँ पे. इट इज़ इंफ्रासोनिक साउंड एंड हैंस वी कैन नॉट हियर इट, सो हम लोग नहीं सुन पाते हैं. कुछ फ्रिक्वेंसी बताई हुई है अलग अलग एनिमल की और अलग अलग टाइप की रेंजेस बताई हुई है यहाँ पे. बिलो 20 हर्ट्ज को इंफ्रासोनिक बोलेंगे, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज को ऑडिबल बोलेंगे, अबाउट 20,000 हर्ट्ज से अल्ट्रासोनिक साउंड बोलेंगे. सो यहाँ पे इंटरनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डू यू नो, देखते हैं, बोथ अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक साउंड्स आर इनऑडिबल फॉर द ह्यूमन बींग. अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक हम दोनों साउंड नहीं सुन सकते, सो आप अंडरलाइन कर सकते हो अल्ट्रासोनिक एंड इंफ्रासोनिक को. द स्पीड ऑफ ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड इज सेम इन द गिवन मीडियम. जो स्पीड होती है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड की, उसकी जो स्पीड होती है वो मीडियम में सेम ही होती है. सो आप लिख सकते हो सेम इंटरनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. जो इन्फेंट होता है 1 ईयर का बेबी, वो 35,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, मतलब छोटा बच्चा जो भी अभी बॉर्न हुआ है वो इतना सुन सकता है. एंड द लिमिट ग्रेजुअली डिक्रीज टू 20,000 हर्ट्ज फॉर द अडल्ट. और धीरे धीरे करके एडल्ट, जैसे वो अडल्ट होता जाएगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी सुनने की थोड़ी कम होती जाएगी और वो हो जाएगी 20,000 हर्ट्ज. कैरेक्टर ऑफ द साउंड देखेंगे कि साउंड जब पढ़ रहे होते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानने बहुत इंपॉर्टेंट है. साउंड वेव इज कैरेक्टराइज बाई इट्स एम्पलीट्यूड एंड द फ्रिक्वेंसी. डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव वी कैन हैविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड. साउंड वेव एक्चुअली एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से हम लोग उसकी दो कैरेक्टराइज करेंगे, एक तो लाउडनेस एंड पिच. लाउडनेस क्या होता है वो देखते हैं. द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग द साउंड. लाउडनेस का मतलब ये हो गया कि लाउडनेस जो होता है वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितने एम्पलीट्यूड के ऊपर, मतलब उसकी कितनी हाइट है वेव्स की. जो वेव, जितनी वेव्स हाई होगी उसकी लाउडनेस उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो उस हिसाब से ग्रेटर द एम्पलीट्यूड द लाउडर द साउंड. जो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही जो साउंड होगा वो लाउडर होगा. 6.21 फिगर में देखेंगे कि शोज दैट टू वेव्स है ए एंड बी, जिसके अंदर एम्पलीट्यूड A1 एंड A2 है. द एम्पलीट्यूड A2 ऑफ द वेव लेंथ बी इज ग्रेटर, बी के अंदर ग्रेटर है और ए के अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो कम है. सो इसी हिसाब से बी में ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा. यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइट जो दी हुई है A1, ये एम्पलीट्यूड है जहाँ पे A1 A2 लिखा हुआ है. सो जितना ऊपर उतना ज़्यादा साउंड सुनाई देगा. इफ़ यू जेंटली प्लग द स्ट्रिंग्स ऑफ द सितार ऑफ द गिटार अ सॉफ्ट साउंड इज हर्ड. आप जब प्लग करोगे गिटार या सितार को तब को एकदम हल्का सा आवाज़ सुनाई देने को मिलेगा. बट इफ़ यू प्लग द स्ट्रिंग्स हार्ड इट मूव मोर द रेस्ट पोजिशंस. जब आप जोर से बजाओगे तो आपको जोर से आवाज़ सुनाई देगा क्योंकि उसकी जो रेस्ट पोजिशन होगी वो मूव करने लगेगी. एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन इंक्रीज सो द लाउड साउंड इज हर्ड. एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही जो साउंड है उसका ज़्यादा सुनाई देगा. सिमिलरली इफ़ यू स्ट्राइक अ ड्रम जेंटली, अगर आप ड्रम्स को धीरे धीरे ऐसे बीट करोगे तो
यू नो थोड़ा सा साउंड सुनाई देगा, लेकिन अब जोर से उसको स्ट्रोक करोगे तो आपको ज़्यादा साउंड सुनाई देगा। सो यही फंडा पे वर्क करता है। लाउडनेस साउंड का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है और विच डिस्टिंग्विश अ लाउड साउंड फ्रॉम द फेबल साउंड, जिसकी वजह से हम लोग को लाउड साउंड और हल्का साउंड में फ़र्क पता पड़ता है। लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस ऑफ द साउंड इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने एरिया में वाइब्रेशन फील हो रहा है। ग्रेटर द एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी द लाउडर द साउंड प्रोड्यूस। जितना ज़्यादा एरिया में वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा और उतना लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगा। इफ़ यू टेक टू ड्रम्स वन स्मॉल एंड वन अदर बिग, अगर आप दो ड्रम लोगे एक छोटा सा एक बड़ा सा, बीट बोथ ऑफ देम टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन देम, आपको दोनों को बजाना है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए, यू विल नोटिस दैट साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द बिग ड्रम इज लाउडर देन प्रोड्यूस फ्रॉम द स्मॉल ड्रम। आप देखोगे तो बड़े ड्रम्स के अंदर ज़्यादा जोर से आवाज़ आएगी छोटे की कंपैरिजन में। इन टेम्पल्स यू मे हैव नोटिस द बेल विद द बिग केस प्रोड्यूसिंग अ लाउडर साउंड देन द विद द स्मॉल केसेस। अगर उसका बाहर का केस बड़ा होगा तो ज़्यादा जोर से आवाज़ आएगी बेल की रिंग की, अपने टेम्पल में सुनी होगी, और स्मॉल केस होगा तो उसमें थोड़ी लाइट आवाज़ आएगी। डिपेंडिंग अपॉन द लाउडनेस ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाई द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। प्लेस अ पिंग पोंग बॉल ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द ड्रम। आपको एक बॉल रखनी है ड्रम के पास, ठीक है। बीट द मेम्ब्रेन जेंटली द ड्रम, आप धीरे धीरे ड्रम को बजाइए तो थोड़ा सा फेबल आवाज आएगा और बॉल थोड़ा सा पॉपअप होगा, ऊपर नीचे होगा। नाउ जोर से आपको बजाना है, ठीक है। विद द ड्रम स्टिक द ड्रम्स प्रोड्यूस लाउडर साउंड, और ड्रम के अंदर से जोर जोर से आवाज़ आएगी और बॉल जोर से ऊपर नीचे जम्प होगी। इससे इसका एम्पलीट्यूड पता पड़ेगा कि कितनी लाउडर होगी। पीच के बारे में देखेंगे। पीच इज द हाई और द लो फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड। साउंड की जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा या कम होती है तो उसको पीच बोलते हैं। पीच ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रिक्वेंसी। पीच एक्चुअली फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्वेंसी मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड के अंदर में जितनी बारी वाइब्रेशन होगा बॉडी का उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। साउंड ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी इज सेट टू हैव अ हाई पिच। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इतना ज़्यादा साउंड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ऑफ अ लो फ्रिक्वेंसी इज सेट टू बी हैव अ लो पिचेस। जो जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उसको बोलेंगे उसकी पिच हाई है, मतलब ज़्यादा लाउडर है, और जिसकी पिच कम होगी उसको बोलेंगे हम लोग वो कम लाउडर है, मतलब वो बहुत ही कम है। सो शो दैट ए और बी आपको अलग अलग फ्रिक्वेंसी दिख रही है और ए की एकदम है लेकिन लंबी है ए एंड बी की। यहाँ पे बी की जो है वो हायर है, देखने जाओगे तो बी में मतलब सेकेंड में। सो दैट मीन्स जो पिच बी की होगी वो हायर होगी और ए की कम हायर होगी। हायर द पिच द शील्डर इज साउंड। जितनी हाई पिच होगी उतना आवाज़ आपको शील्ड सुनाई देगा। बट इफ़ द पिच इज लो द साउंड इज फ्लैट और द ग्रे। सो अगर पिच लो हो गई तो फिर जो साउंड होगा वो फ्लैट या ग्रेव सुनाई देगा, मतलब इतना ज़्यादा लाउडर नहीं सुनाई देगा। द वॉइस ऑफ अ गर्ल इज श्रीलर देन दैट्स ऑफ अ बॉय बिकॉज ऑफ द वॉइस ऑफ द गर्ल इज ऑफ। गर्ल्स की आवाज़ ज़्यादा श्रील होती है बॉयज़ की कंपैरिजन में जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी हाई पिच आवाज़ होती है। वॉइस ऑफ अ चाइल्ड इज श्रीलर देन द एडल्ट, और एडल्ट की कंपैरिजन में छोटे बच्चे की आवाज़ ज़्यादा श्रीलर होती है। पीच का डेफिनेशन दिया हुआ है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट पीच इज द कैरेक्टर्स ऑफ द साउंड विच डिस्टिंग्विश अ श्रिल साउंड फ्रॉम द फ्लैट साउंड्स। पीच मदद करती है हमें आइडेंटिफाई करने में कि कौन सी आवाज़ श्रिल है और कौन सी आवाज़ फ्लैट है। 6.23 में आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर पानी भर देना है अलग अलग लेवल पे। इफ़ यू ब्लो एयर इन द ट्यूब बाई प्लेसिंग यू योर लिप्स, आपको यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर पानी भर देना है, आपको हवा डाल दी है, ठीक है। And placing your lips on the mouth of the test tubes, you will be hear the flat sound. आपको जब कान लगा के सुनोगे तो आपको एक फ्लैट आवाज़ सुनाई देगी। Now add more, more, more water. BCD में बताया हुआ है। So the length of a vibration air column above the water level decreasing. जो water level की जो कॉलम होगी वाइब्रेशन की वो कम हो जाएगी। You will notice that the sound produced become more and more shrill. आपको आवाज़ जो होगी वो बहुत मतलब तेज सुनाई देगी। So इसका मतलब ये हुआ जितनी ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा आवाज़ श्रील सुनाई देगा। इफ़ यू प्लेस द पिक्चर बिलो द वाटर टैप, अगर आप वाटर के नल के नीचे अगर आप एक छोटा सा बर्तन जैसा रख दोगे, यू विल नोटिस दैट द साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन इन द एयर कॉलम बिकम श्रीलर एंड एज द लेवल ऑफ द वाटर इज द पिक्चर इंक्रीज। सो बाउल नीचे होगा और इसकी वजह से ऊपर से नीचे वो गिर रहा होगा, इसकी वजह से पिच ज़्यादा हो गई होगी। सो इस हिसाब से आपको वो साउंड लाउडर सुनाई देगा। इफ़ यू टेक द पोस्ट कार्ड एंड रब इट स्लोली अगेंस्ट द टीथ ऑफ अ कॉम, यू विल बी हियर द ग्रेव साउंड। अगर आप एक पोस्ट कार्ड लोगे और आपको टीथ
के साथ ऐसा घिसने हैं, टीथ के जो कोम आते हैं, मतलब जो कोम आता है देखने जाए तो हम लोग जिससे कंघी करते हैं उसके जो टीथ होते हैं, मतलब उसके जो आगे ब्रिसल्स होते हैं उसके, अगर आप पोस्ट कार्ड घिसोगे तो आपको एकदम ग्रेव साउंड सुनाई देगा, बट इफ़ यू रब द सेम पोस्ट कार्ड अगेंस्ट द टीथ ऑफ द कोम रैपिडली यू विल नोटिस दैट द साउंड प्रोड्यूस इज द शिलर देन द बिफोर. अगर आप जोर जोर से घिसोगे मतलब स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको शिलर साउंड सुनाई देगा कंपेयर टू पहले की. इन द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट और क्लैरिनेट है उसके अंदर की उसके अंदर जो पीच ऑफ साउंड है वो चेंज होता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसमें जो लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है वो अलग अलग होल में से निकलने वाली अलग अलग होती है. इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज गिटार सितार पियानो वायलिन द पिच ऑफ द साउंड कैन बी चेंज इन द टू वेज. और ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो बताया हुआ है गिटार सितार पियानो और वायलिन इसके अंदर पिच ऑफ साउंड है वो दो वे में अलग अलग होती है. एक बाई चेंजिंग द प्लेस ऑफ प्लकिंग ऑन द स्ट्रिंग किस हिसाब से वो स्ट्रिंग को प्लग कर रहे हैं. बाई चेंजिंग द टेंशन एंड द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग्स. और स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन या फिर थिकनेस जो चेंज हो रहा है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर प्रोवाइडेड विद द नंबर ऑफ द स्ट्रिंग्स ऑफ द डिफरेंट थिकनेस. सो ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग मोटे जाड़े पतले ऐसे स्ट्रिंग्स दिए होते हैं एंड अंडर द डिफरेंट टेंशन सो दैट द ईच स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस द साउंड डिफरेंट पिच. सो इस हिसाब से अलग अलग प्रेशर डालने की वजह से वो अलग अलग टाइप के अलग अलग प्रकार के डिफरेंट पिच के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं. डू यू नो देखते हैं. टू साउंड ऑफ अ सेम लाउडनेस एंड द सेम पीच मे बी डिफरेंट इन द क्वालिटी ऑफ द साउंड वेव. दो अगर साउंड के बारे में बात करेंगे जिसकी लाउडनेस सेम है, सेम पीच है, फिर भी उनकी क्वालिटी जो होगी वेवलेंथ की अलग अलग होगी. आप नीचे पिक्चर में देख पा रहे हो इसके से राउंड में है और दूसरे के से ऐसे एकदम स्ट्रेट वे में है. वी रिकग्नाइज द वॉइस ऑफ अ पर्सन और द साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विदाउट सीइंग देम ड्यू टू देयर क्वालिटी. और जो क्वालिटी बचती है उससे आपको पता पड़ जाएगा कि वो कौन सा पर्सन बोल रहा है या फिर कौन से क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से वो आवाज़ आ रही है. दिस क्वालिटी ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स विद द डिस्टिंग्विश टू साउंड ऑफ अ सेम पीच एंड द सेम लाउडनेस. सो सेम पीच और सेम लाउडनेस सेम से भी हम लोग क्वालिटी को पता कर सकते हैं. शोज द टू वेव ऑफ द सेम लाउडनेस सेम पीच बट अ डिफरेंट वेव फॉर्म. सो यहाँ पे फॉर्मेट अलग अलग है, दो फॉर्म अलग अलग है. लाउड हार्श इरेगुलर अनडिजायरेबल साउंड विच मे कॉज द हेडेक जिसको नॉइज बोलेंगे. यहाँ पे इंटरनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉइज अंडरलाइन कर सकते हो आप कि लाउड हार्श इरेगुलरिटी और अनडिजायरेबल जो साउंड सुनाई देता है उसकी वजह से हम लोग को हेडेक फील होता है जिसको हम लोग नॉइज बोलते हैं. स्पीड ऑफ साउंड देखेंगे कि जो साउंड की स्पीड होती है वो क्या होती है, किस हिसाब से होती है. वी हैव रीड द साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम. हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता. इट कैन ट्रैवल ओनली इन द मीडियम वेदर इज सॉलिड लिक्विड और गैसेस. स्पीड को मतलब अगर साउंड को ट्रैवल करने की बात की जाए तो तीन चीज़ों में ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. इफ़ यू वॉच अ ब्लैक स्मिथ वाइल वर्किंग, आपने ब्लैक स्मिथ को जब वर्क करते हुए देखा होगा तो यू विल नोटिस द साउंड प्रोड्यूस ऑन स्ट्राइकिंग द हैमर. तो वो अपने हैमर से जब वो आयरन को पिटता है तो आपको एक थोड़ा सा आवाज़ सुनाई देती है एंड इज़ हियर अ लिटल लेटर देन व्हेन द हैमर एक्चुअली स्ट्राइक. तो वो जब स्ट्राइक करता है ना तब आवाज़ नहीं सुनाई देती, उसके बाद आवाज़ सुनाई देती है. दिस शोज साउंड टेक सम टाइम टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन द मीडियम. सो इसका मतलब ये हो गया कि जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, पर्टिकुलरली जिस भी मीडियम में हो उस हिसाब से. सिमिलरली यू मस्ट हैव नोटिस दैट द रेनी सीजन द साउंड ऑफ द थंडर इज हर्ड मच लेटर देन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन. आपने रेनी सीजन में भी देखा होगा कि लाइटनिंग आपको पहले लाइटनिंग आपको दिखाई देती है उसके बाद आपको थंडर सुनाई देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ जब साउंड ट्रैवल करता है तो उसकी जो मीडियम है उसके अंदर ट्रांसफर होने में लेट हो जाता है. द रीजन इज दैट द लाइट ट्रैवल मच फास्टर देन द साउंड. लाइट साउंड से जल्दी ट्रैवल करती है एंड इट टेक नेग्लिजिबल टाइम फॉर द लाइट टू रीच अस. सो टाइम को लाइट को हमारे पास पहुँचने में कम टाइम लगता है साउंड की कंपेरिजन में, साउंड ज़्यादा टाइम लेता है हमारे पास पहुँचने में. एंड दिस फैक्ट यूज टू अल्टीमेट द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर. सो इस हिसाब से जो स्पीड होती है साउंड की वो कम होती है. एस्टिमेट ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर देखेंगे कि साउंड का स्पीड क्या होता है. टू एस्टिमेट द स्पीड ऑफ अ साउंड इन द एयर सपोज विच इज टू हिल्स ए एंड बी अबाउट किलोमीटर अपार्ट. आपको दो हिल लेनी है ए एंड बी जो किलोमीटर एक किलोमीटर दूर हो. पर्सन एट द हिल्स ए फायर अ गन. ए से एक पर्सन को गन शॉट करनी है एंड अनदर पर्सन एट द बी स्टार्ट स्टॉप द वॉच एज ही सी द फ्लैश ऑफ द फायर. और बी पे हील्स पे खड़े हुए इंसान को वो फायर का फ्लैश देखना है सुनना है एंड स्टॉप इट ऑन द हियरिंग द साउंड. दस ही मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन द साइट ऑफ अ फ्लैश एंड द हियरिंग द साउंड. तो उसको देखना है कि उसको फ्लैश का साइड बहुत जल्दी देखने को मिलेगा लेकिन उसका जो आवाज़ होगा गन का ढशा
वो उसको थोड़ी देर के बाद सुनाई देगा एंड लेट इट बी अ टाइम टी एंड देन मेजर द डिस्टेंस ए एंड बी इज डी. सो दैट मीन्स स्पीड ऑफ साउंड का डेफिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअली v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम डी अपॉन टी मीटर पर सेकेंड. सो इसका मतलब ये हो गया कि जो साउंड का स्पीड है वो है 330 मीटर पर सेकेंड्स. कुछ सम दिए हुए हैं यहाँ पे, बोला हुआ है गन इज फायर इन देन एयर एट डिस्टेंस ऑफ 660 मीटर, मतलब ये डी हो गया और दो सेकेंड्स के बाद सुनाई दे रहा है, तो 660 डिवाइड बाई टू ऊपर वाली फॉर्मूला के हिसाब से सो हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड्स. अभी देखते हैं स्पीड ऑफ अ साउंड इन द डिफरेंट मीडियम. अलग अलग मीडियम के अंदर साउंड डिफरेंटली ट्रैवल करता है. साउंड ट्रैवल फास्टर इन द लिक्विड देन इन द गैसेस. साउंड जो है वो लिक्विड के अंदर फास्टर ट्रैवल करता है गैस की कंपैरिजन में. द स्पीड ऑफ अ साउंड वाटर इज नियरली 1500 मीटर पर सेकेंड्स. अगर वाटर के अंदर साउंड की स्पीड नापे तो वो होगी 1500 मीटर पर सेकेंड्स, जबकि एयर में 330 मीटर पर सेकेंड्स. आप देखोगे तो एयर में कम हो गई लिक्विड की कंपैरिजन में. साउंड ट्रैवल मच फास्टर इन द सॉलिड, और सॉलिड के अंदर इससे ज़्यादा तेज़ी से साउंड ट्रैवल करता है. स्पीड ऑफ अ साउंड इन द स्टील इज 5960 मीटर पर सेकेंड. दिस इज रीजन वाई पीपल लिविंग नियर द रेलवे ट्रैक्स ऑफन प्रेस देयर ईयर अगेंस्ट द ट्रैक एंड प्रिडेक्ट वेदर द ट्रेन इज कमिंग और नॉट. और जो रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं उन्हें ऐसे ही पता पड़ जाता है कि ये ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है. साउंड प्रोड्यूस बाई द मूविंग व्हील ऑफ अ ट्रेन ट्रैवल मच फास्टर थ्रू द ट्रैक देन द थ्रू एयर. जो साउंड होता है वो व्हील का जो ट्रेन का होता है ना वो बहुत ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करता है कंपेयर टू एयर में. देयरफॉर दे हियर द साउंड थ्रू द ट्रैक मच बिफोर इट्स हर्ड थ्रू इट. सो इस हिसाब से पहले ही हमें ट्रेन आती है उससे पहले ही हम लोग को पता पड़ जाता है साउंड, क्योंकि जो साउंड होता है वो ट्रैक में से ट्रैवल होके आता है, सॉलिड में से ट्रैवल होके आता है. अलग अलग मीडियम के अंदर यहाँ पे स्पीड बताई है साउंड की, आयरन एंड स्टील की, आयरन की बताई है 5100 मीटर पर सेकेंड, स्टील की 5960 मीटर पर सेकेंड, लिक्विड के अंदर वाटर का 1500 मीटर पर सेकेंड, एयर का 330 मीटर पर सेकेंड. इंटरनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्टिविटी 12 देखेंगे. टू शो दैट द साउंड ट्रैवल फास्टर इन द सॉलिड देन द एयर. जो साउंड है वो फास्टर ट्रैवल करता है सॉलिड में कंपेयर टू एयर. आपको एक लॉन्ग मेटल रॉड लेना है एंड कीप इट फ्लैट सरफेस सच टेबल, ब्रिंग योर ईयर क्लोज टू द एंड, कुछ इस हिसाब से रॉड एस 6.24 में, एंड आस्क योर फ्रेंड थोड़ा जेंटली उसको स्ट्राइक करना है एक एंड को हैमर से. यू विल हियर द साउंड टू टाइम, आपको दो बार ही सुनाई देगा वो आवाज़, फर्स्ट थ्रू द मेटल रॉड एंड सेकेंड द एयर. आपको एयर के थ्रू सुनाई देगा, एयर के थ्रू आपको बाद में सुनाई देगा लेकिन मेटल का आपको पहले रियलाइज हो जाएगा. इसका मतलब ये हो गया जो साउंड है वो ट्रैवल करता है फास्टर थ्रू द सॉलिड देन द थ्रू द एयर. सो इस हिसाब से जो साउंड है वो फास्टर ट्रैवल करता है सॉलिड के कंपैरिजन में. डू यू नो, देखते हैं द स्पीड ऑफ अ साउंड इज अ मीडियम इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. जो साउंड की जो स्पीड है वो जैसे जैसे मीडियम बढ़ता जाता है उस हिसाब से विद द टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाता है उस हिसाब से बढ़ती रहती है. जैसे कि अगर मीडियम 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है तो एयर के अंदर, सो उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा. आप इंटरनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे टिक मार्क कर सकते हो कि मीडियम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा. स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन द ह्यूमिड एयर देन द ड्राई एयर. आप मोर लिख सकते हो यहाँ पे इंटरनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब स्पीड होगा साउंड का ह्यूमिड एयर के अंदर ज़्यादा होगा ड्राई एयर की कंपैरिजन में, मतलब जो मॉइस्ट एयर होगी उसमें आपको ज़्यादा सुनाई देगा स्पीड, मतलब साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड देखेंगे. व्हेन यू स्ट्राइक द हार्ड सर्फेस इट रिटर्न विद इन द सेम मीडियम लाइक लाइट. अगर आप हार्ड सर्फेस के ऊपर साउंड को रिफ्लेक्ट करोगे तो लाइट की तरह ही सेम मीडियम में ट्रैवल करेगा और वापस रिटर्न बैक होगा. रिटर्न ऑफ द साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सर्फेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. सो इस हिसाब से जब रिटर्न होके आएगा जो साउंड है वो सर्फेस के ऊपर उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड टेक्स प्लेस ओबेइंग द टू लॉ, दो लॉ पे वर्क करता है. एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सेम लाइट का जो है वही एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं. इंसिडेंट्स ऑफ द साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड एंड द नॉर्मल्स आर इन द वन प्लेन. तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होने चाहिए, इंसिडेंट साउंड रिफ्लेक्टेड साउंड एंड नॉर्मल. दिस लॉ सी रिफ्लेक्ट आर सेम एज ओबे बाय द लाइट ऑफ रिफ्लेक्शंस. और ये दोनों जो लॉ है वो लाइट रिफ्लेक्शंस के ही सेम पॉइंट्स हैं. फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड द सर्फेस मच बी बिगर साइज. साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए थोड़ा सर्फेस बड़ा लेना पड़ेगा. इट मे बी स्मूथ और द हार्ड. स्मूथ हो सकता है या फिर हार्ड सर्फेस हो सकता है. रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड इज यूज टू मेकिंग द यू नो टिकरिंग ट्यूब, मेगाफोन्स बोल सकते हैं हम लोग, साउंड बोर्ड और द ट्रम्पेट. दिस डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग ये एक्टिविटी 13 में करके हम लोग समझेंगे.
एक्टिविटी 13 देखते हैं. टेक अ ग्लास कंटेनर विद अ लीड एंड कीप अ क्लॉक इन साइड द शोन 6.24. आपको एक ग्लास कंटेनर लेना है ढक्कन वाला और उसके अंदर आपको क्लॉक रख देनी है. यू विल बी एबल टू हियर द टिकलिंग साउंड वेरी क्लियरली वेन द कंटेनर इज क्लोज. जब आपको साउंड सुनाई देगा जब वो जो डब्बा होगा ग्लास का कंटेनर होगा बंद होगा तब. नाउ स्लोली लीव द लीड फ्रॉम द एंड. आपको उसका ढक्कन खोलना है. यू विल नोटिस दैट वेन द लीड इज एट द पर्टिकुलर एंगल द साउंड इज हियर मोस्ट डिस्टिंगटिवली. अगर आपको लीड को एकदम प्रिसाइज एंगल में रखा हुआ है तो आपको साउंड अच्छे से सुनाई देगा. द रीजन इज दैट साउंड इज रिफ्लेक्टेड बाय द लीड ओबिंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सो यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है क्लॉक में वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पे रिफ्लेक्ट होके आपके कान में सुनाई देगी. इको देखेंगे. यू माइट एक्सपीरियंस दैट द यू नो वेन यू स्टे क्लोजर टू द वेल फेसिंग द वाटर लास्ट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल ऑफ अ बिग हील्स प्रोड्यूसिंग अ शार्प एंड यू विल बी हियर द टू साउंड ओरिजिनल एंड अदर साउंड रिफ्लेक्शंस एंड द सेकेंड साउंड इज द हर्ड आफ्टर द टाइम इज साउंड प्रोड्यूस आफ्टर द वाटर इन द वेल और फ्रॉम द हॉल एंड दिस साउंड इज इको. आप जब हील्स पे या फिर कहीं पे घूमने जाते हो तो आपको आवाज़ दोबारी सुनाई देने को मिलती है. इसको इको बोलते हैं. इको एक डिस्टिंग साउंड हर्ड आफ्टर द फ्रॉम द डिस्टिंग रिजिड सर्फेस सच एज हील साइड्स वॉल ऑफ द बिल्डिंग. दो ऐसी जगह जहाँ पे हील्स या फिर वॉल ऐसी जब बड़ी बड़ी जगह होती है तो बहुत बारी टाइम साउंड रिफ्लेक्शन होता है इसकी वजह से इको सुनाई देता है. टू हियर द इको द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शंस. अगर आपको साउंड के रिफ्लेक्शंस के बाद इको सुनना है फ्रॉम द रिजिड सर्फेस रीच द ईयर एट लीस्ट 0.5 सेकेंड्स आफ्टर द ओरिजिनल साउंड. जो ओरिजिनल साउंड होगा उसके 0.1 सेकेंड्स रिजिड सर्फेस के बाद रिफ्लेक्ट होके फिर आपके कान में 0.1 सेकेंड्स के बाद सुनाई देगा. एंड दिस इज बिकॉज जो ओरिजिनल साउंड होगा वो प्रोसेस कर रहा होगा ईयर में अबाउट 0.1 सेकेंड्स. इफ द रिफ्लेक्शन साउंड रीच द ईयर बिफोर इज द इंटरवल ऑफ टाइम इट विल इंटरमिंगल विद द ओरिजिनल साउंड एंड इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डिस्टिंग्विश द टू साउंड. सो इस हिसाब से हमारे कानों के लिए वो जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि ओरिजिनल साउंड कौन सा है और हम लोगों ने जो इको में जो फील किया वो साउंड कौन सा है. वी नो दैट हम लोग को पता है कि जो साउंड की स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है. सो अगर हम लोग को उसको मेजर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीन्स टाइम के साथ. सो जो साउंड है वो ट्रैवल करता है 33 मीटर. सिंस द साउंड हैज़ टू ट्रैवल एन इक्वल डिस्टेंस इन गोइंग अप टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड इन कमिंग बैक फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस देयरफॉर इट ट्रैवल नियरली 33/2 मीन्स आधा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा उसको जस्ट बिकॉज हम लोगों ने लॉ पढ़ा. तो 33/2 होता है 16.5 मीटर आइदर अवे. जस्ट टू हियर द इको क्लियरली हम लोग को 16.5 डिस्टेंस पे मिनिमम खड़ा रहना चाहिए तो हम लोग को परफेक्टली रिपो जो इको है वो फील होगा. नेक्स्ट देखेंगे अब्जॉर्प्शन ऑफ द साउंड. व्हेन साउंड फॉल ऑन द सोफा फ्लफी और लाइट सब्सटेंस जैसे कि क्लोथ्स पेपर थर्मोकॉल कोटिंग ऑफ प्लास्टिक ऑफ पेरिस एंड कारपेट एंड द कर्टन्स एंड द फर्नीचर वुड्स एक्सेट्रा इट्स अब्जॉर्ब अ गुड एक्सटेंस. ये सब चीज़ें सोफा फ्लफी लाइट्स क्लोथ्स पेपर थर्मोकॉल ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे लेवल तक साउंड को अब्जॉर्ब कर लेती है एंड दिस सर्फेस आर कॉल्ड द गुड अब्जॉर्बर ऑफ द साउंड और इसको अच्छा अब्जॉर्बर बोलते हैं साउंड का. साउंड प्रूफ बॉक्स मीन्स द एनक्लोजर सच एज थिएटर ऑडिटोरियम एक्सेट्रा विच डज नॉट अलाउ द इंटर साउंड टू कम आउट एंड द एक्सटर्नल साउंड टू एंटर इन इट. साउंड प्रूफ जो बॉक्स होते हैं इसके अंदर ऑडिटोरियम और एक्चुअली थिएटर के अंदर यही यूज़ किया जाता है. ये जो होते हैं वो इंटरनल साउंड को बाहर नहीं आने देते और बाहर के साउंड को अंदर नहीं आने देते. इन ऑर्डर टू डिज़ाइन सच बॉक्स हम लोग को कुछ मेजरमेंट लेने पड़ेंगे जैसे कि रूफ ऑफ द एनक्लोज मस्ट बी कवर्ड बाय द प्लास्टर ऑफ पेरिस. ऊपर का जो सीलिंग होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाएगा बाय द शीट ऑफ थर्मोकॉल. थर्मोकॉल का पहले शीट लगाया जाएगा और फिर ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाएगा. द वॉल ऑफ द एनक्लोज शुड बी कवर्ड बाय द वुडन स्ट्रिप्स. वॉल वुडन के कर्टन से या फिर पर्दों से बनाई होनी चाहिए. फ्लोर मस्ट बी लेड डाउन बाय द थिक कारपेट और नीचे एकदम थिक कारपेट होना चाहिए. मशीन पार्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे कि फैन है एयर कंडीशन है ये मस्ट बी प्लेस आउटसाइड द एनक्लोजर और ये जो डब्बा होता है उसके बाहर लगाने चाहिए उसके सारे जो मशीन है. थिक कर्टन शुड बी यूज टू कवर द डोर एंड कीप देम क्लोज. दरवाजे और जो भी चीज़ें खुली है उसको डोर मतलब कर्टन्स अच्छे खासे जाड़े मोटे कर्टन्स लगा के बंद करने चाहिए. थिक स्ट्रिपिंग मस्ट बी यूज टू कवर द ओपनिंग ऑफ द डोर एंड द विंडो. विंडो और डोर को खुलने के लिए एकदम जाड़ी मोटी स्ट्रिपिंग्स लगानी पड़ेगी ताकि साउंड बाहर ना ट्रैवल करे. साउंड प्रूफ बॉक्स कैन बी डिजाइन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. अगर आपको परफॉर्म करना है बनाना है तो आप उस हिसाब से बना सकते हो. आपको एक कार बॉक्स लेना है शू बॉक्स भी चलेगा. Fix a lining of a bubbles wrap plastic or the egg cartoon. Egg cartoon से आपको अंदर का रैप कर देना है 6 की 6 साइड्स.
टाइटली क्लोज द कवर द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ सेलोटेप, सेलोटेप से आपको चिपका देना है. दिस बॉक्स विल बी साउंड प्रूफ बॉक्स, और इस हिसाब से अपना साउंड प्रूफ बॉक्स बना सकते हो. टू चेक द क्लॉक मे बी इन साइड द बॉक्स, यू विल नॉट बी एबल टू हियर द टिकलिंग साउंड्स आउटसाइड द बॉक्स. अगर आप उसमें वॉच रख दोगे तो आपको आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी. समझ देखते हैं. बॉय फायर अ गन अनदर बॉय एट द डिस्टेंस ऑफ 1360 मीटर, हियर द साउंड ऑफ फायरिंग द गन 4 सेकेंड्स आफ्टर इट्स स्मोक इज सीन. तो आपको स्पीड फाइंड करनी है. हम लोग को पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस यहाँ पे 1360 है डिवाइड बाई 4, तो हो गया 340 मीटर पर सेकेंड्स. ड्यूरिंग थंडर स्ट्रॉम थंडर इज हर्ड 2.5 सेकेंड्स आफ्टर द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन. अगर साउंड का स्पीड होगा 330 मीटर पर सेकेंड्स, तो उसका डिस्टेंस पता करना है. तो हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज़ द स्पीड ऑफ अ साउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो यहाँ पर डिस्टेंस पता करना है तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 330 मल्टीप्लाई बाय 2.5, सो हो जाएगा 825 मीटर. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.